फिर निजी स्कूल की मनमानी देखने को मिल रही है। गुना के एक निजी स्कूल आकांक्षा पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने आज बच्चों को परीक्षा देने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने फीस जमा नहीं की थी। वहीं अभिभावकों की लाख मिन्नत करने के बाद भी उनको परीक्षा देने नहीं दिया। साथ ही शिक्षकों ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ज्यादा बात करनी है तो वह प्रबंधन से बात करें, लेकिन मौके पर ना तो प्रिंसिपल मौजूद थे और ना ही किसी का फोन उठा रहे थे। इतनी मिन्नतों के बाद भी शिक्षकों का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर जिला कलेक्टर के शरण में गए ताकि उनके बच्चे परीक्षा दे सके। जिला कलेक्टर ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीसी आशीष टाटिया को स्कूल भेजा। स्कूल जाकर आशीष टाटिया ने जब प्रबंधन से बात की उसके बाद कहीं जाकर बच्चों को परीक्षा दिलाई गई। वहीं अभिभावकों का यह भी आरोप है कि लगभग पूरी फीस जमा होने के बाद आखिरी किस्त रह गई है, उसके बावजूद भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया। साथ ही अभिभावकों ने आरोप लगाया कि बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ने भी नहीं दिया जाता, हर बार स्कूल प्रबंधन उनसे नई किताबें ही मांगता है। अब देखना यह होगा कि हाल ही में कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद इन बच्चों ने परीक्षा तो दे दी, लेकिन इस स्कूल प्रबंधन पर क्या कार्यवाही करता है प्रशासन, यह देखने लायक होगा। या फिर हमेशा की तरह केवल कागजी कार्रवाई करके मामले को इतिश्री कर दिया जाएगा। सर हमारी फीस इसी इंस्टॉलमेंट की जमा नहीं, उसमें भगा दिया पेपर, 8 बजे से चालू हो गया जब से। कितनी इंस्टॉलमेंट थी आपकी? बस इसी महीने। कितने पैसे थे इस महीने के? दो हमारी बात हो गई थी सर, बात हो गई थी सर से, लास्ट 2000 रुपये, फिर भी आने नहीं दे रहे। और जरा सा 5 मिनट भी लेट हो जाए तो भगा देते हैं, स्वेटर के लिए भी भगा देते हैं, स्वेटर लेके नहीं आओ बोलते, ब्लेजर पहन के आओ। अच्छा भगा देते 5 मिनट भी लेट हो जाए तो। क्या हुआ बेटा, पेपर नहीं देने दे रहे सर? पेपर नहीं देने दे रहे, क्या बोलना है? फीस लेकर आओ, टिकट आओ, जब दे देंगे पेपर। कि मैंने बच्चे का एडमिशन करवाया सर, के अलग इसमें करवा दो, तुम्हारे बच्चे को और कहीं मत करवाना। कौन से स्कूल में? आकांक्षा पब्लिक स्कूल में। हाँ। तो उस टाइम मैंने करवा दी, मैंने पैसा मैं आराम से दे पाऊंगा। मेरी यह तबीयत खराब, शुगर भी और किडनी खराब है, पैसा ही व्यस्त हो नहीं पा रही, मैं कहाँ से करवाऊँगा पैसा? पैसा तो उनके पूरे देंगे, जब 6 महीना की बात है साल भर की पूरा ही कर दूंगा। और मेरे पहले बच्चे विंध्याचल में जाते थे, उसमें भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा क्लियर पैसा पहुँचता था। अब फीस के चक्कर में बच्चे को बाहर भगा दिया, कई बच्चों को। करीबन कितने बच्चे हैं ये? करीब करीब 100-125 बच्चे हैं जिनको पेपर नहीं देना है। पेपर नहीं देंगे फीस के कारण, वर्ल्ड टिकट नहीं है। और इसके अलावा अब हमारे पास नहीं है व्यवस्था सूटर की, अब उसकी सूटर पहन के आता है, कोट लेके आओ, कोट आ रहा 1200 रुपया, हम क्या करें साहब, हम मजूर आदमी। आप क्या काम करते हैं? मैं नल खोल दूँगा, हमें 5000 रुपये मिल जाएंगे। एक तो टाइम पे फीस तो हमने कर दी सर, आखिरी किस्त रह गई है सर, वो अभी मांग रहा है सर। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्चे पढ़ते हैं। कितनी फीस बची है? थोड़ी बची है सर। कितनी? जब भी दो किस्तें, इसमें 4 किस्तें चलती हैं साल भर की सर, दो किस्तें कर दी हैं, दो रह गई हैं। अच्छा तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को बिठा नहीं रहे? हाँ, बच्चों को कह दिया बाहर जाओ, प्रिंसिपल सर आते नहीं है, और वो सर बोल देते हैं इस मैटर में मैं कुछ नहीं कर सकता सर। अच्छा बड़े बड़े सर जान है, वो टाइम पे कभी नहीं मिलते सर।